हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशर जमार और मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी ही खुशखबरी है आप सबके लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने एक वेबसाइट खोल के रखा है। यहाँ पे जो है NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्योंकि असम में असम सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा एक बैठक में वहाँ पे बताया गया है कि असम में जुलाई के महीने में ही 40 लाख लोगों को राशन कार्ड मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आप लोगों को वही बात जो एक बार आपको पुराना बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, जी हाँ बिल्कुल, इसी वेबसाइट पर आपने आपका राशन कार्ड जो है आपके फैमिली के लिए शायद आपने अप्लाई किया होगा, शायद आपको याद नहीं है। मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर जो NFSA जो डिपार्टमेंट फूड एंड सेफ्टी का जो वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारे भाइयों ने ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसके बाद पंचायत में जाकर वो सबमिट किया फॉर्म। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लॉगिन। यहाँ पे जाके जिन जिन भाइयों ने जिन जिन फैमिली के लिए रेशन कार्ड अप्लाई किया था, उन सभी को रेशन कार्ड मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, असम में जो कैबिनेट बैठक है वहाँ पर बताया गया। मैं आपको फुल डिटेल ही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए। तो गाइज, यही है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पे लॉगिन करके आपने अप्लाई किया होगा या किसी कंप्यूटर शॉप में जाकर अप्लाई किया होगा, उसके बाद जो ऑनलाइन रिसिप्ट जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऑनलाइन रिसिप्ट, जहाँ पे ये जो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे सर्च एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ गया है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, शायद आपको इसी तरह से रेशन कार्ड का एक रिसिप्ट मिला होगा। तो ये रिसिप्ट जो रेशन कार्ड का था, वो रेशन कार्ड जिन जिन भाइयों ने अप्लाई किया, सभी को रेशन कार्ड मिलने वाला है। असम का जो सरकार है, असम सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि जुलाई में 40 लाख लोगों को रेशन कार्ड मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, आपने अगर यहाँ पे अप्लाई किया तो वो सारा प्रोसेस क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड टू 40 लाख बेनिफिशियरीज इन जुलाई। जी हाँ बिल्कुल, जुलाई में 40 लाख लोगों को मिलने वाला है रेशन कार्ड। आपने भी अगर आपके फैमिली के लिए अप्लाई किया था पंचायत में, आप ऑनलाइन किया उसके बाद पंचायत में सबमिट किया, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आपको भी मिलेगा रेशन कार्ड, सभी को मिलेगा, 40 लाख लोगों को मिलेगा। गाइस, 40 लाख लोगों को रेशन कार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी असम इंडिया में 31, यहाँ पे द असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA कार्ड टू 40 लाख बेनिफिशरीज ऑफ द स्टेट इन जुलाई दिस ईयर। जी हाँ बिल्कुल, उसका न्यूज निकल गया है जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, न्यूज में आपको सुनाऊंगा, तब तक वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको वो भी न्यूज जो है वायरल हो रहा है, जो न्यूज असम गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यूज बताया गया है, वो न्यूज भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग द स्टेट कैबिनेट मीटिंग हेल्ड एट जनता भवन इन गुवाहाटी वन वेडनेसडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा। जी हाँ बिल्कुल, अनाउंसिंग द कैबिनेट डिसीजन, असम टूरिज्म मिनिस्टर जयंत मल्ला बोरुआ सेड द स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड NFSA कार्ड। NFSA कार्ड मतलब रेशन कार्ड होता है। जी हाँ बिल्कुल, रेशन कार्ड होता है, टू 40 लाख बेनिफिशरीज इन जुलाई दिस ईयर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जयंत मल्ला बोरुआ ने बताया है 40 लाख लोगों को रेशन कार्ड मिलने वाला है जुलाई के महीने में, ठीक है। यहाँ पे वी विल डिस्ट्रीब्यूट 40 लाख NFSA कार्ड इन द लास्ट पार्ट्स ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट महीने में ए लिस्ट निकल के आ जाएगा। तो गाइस, इसी चैनल पर आपका लिस्ट मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही लिस्ट निकल कर आए, वो सारा प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, साथ ही आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है वी विल डिस्ट्रीब्यूट 40 लाख NFSA कार्ड्स इन द लास्ट पार्ट्स ऑफ जुलाई इन ऑन वन डे। नाउ अपर इन इनकम लिमिट फॉर न्यू रेशन कार्ड बेनिफिशरीज इंक्रीज टू 4 लाख। जी हाँ बिल्कुल, एक भारी खुशखबरी है। पहला जो रेशन कार्ड का जो लिमिट होता था 2.5 लाख की अगर ऊपर का इनकम होता है तो उन लोगों को रेशन कार्ड नहीं मिलता था। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके फैमिली में 2.5 लाख से ऊपर आपका एनुअल इनकम होता है तो आपको रेशन कार्ड नहीं मिलता था, लेकिन ये आप बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली का इनकम ईयरली 4 लाख के अंदर है तो आपको भी मिलेगा रेशन कार्ड। पहले यह 2.5 लाख के अंदर था, अब यह 4 लाख कर दिया गया है। प्रीवियसली पीपल विथ एन एनुअल इनकम ऑफ 2.5 लाख वेयर
एंटाइट रेशन कार्ड से है। बिल्कुल रेशन कार्ड के लिए एलिजिबल वही हो सकता था पहले जो जिसका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं था। जी हाँ बिल्कुल, अब अगर 4 लाख से ऊपर होता तो नहीं मिलेगा, 4 लाख के अगर अंदर है ठीक है तो उन लोगों के लिए रेशन कार्ड अभी मिल जाएगा। पहले ये 2.5 लाख था, अभी ये 4 लाख कर दिया गया है, यह जयंता मल्ला बोरुआ ने बता दिया है। जी हाँ बिल्कुल, तो चले गए मैं आपको ले जाता हूँ वो न्यूज़ पर जो न्यूज़ आपको बता देगा सारा कुछ डिटेल ही ठीक है। तो आइए हम लोग साथ मिलकर सुनते हैं वो न्यूज़, रेशन कार्ड के ऊपर जो न्यूज़ आया है वो न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि कब ये आएगा। डिटेल में आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और मैं भी सुनूंगा ठीक है। रेशन कार्ड के ऊपर 40 लाख रेशन कार्ड मिलने वाला है गाइस, अगर आपने भी अप्लाई किया तो आपके लिए भी ये खुशी की बात होती है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए। रेशन कार्ड सन्दर्भ जी नतुन नियम प्रवर्तन करा कइसे अकल रेशन कार्डे नहय बिनामूलिया चिकित्सा सेवा लाभ करিব আমাৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে কৈছো প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ করিব বিনামূলীয়া চাউলো। রাজ্যৰ 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ করিব রেশন কার্ড। জুলাই মাহৰ একেটা দিনতে একেলগে 40 লাখ হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব রেশন কার্ড। রাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকলৈ যেন এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনতে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত ৰেচন কাৰ্ডক লৈ যিহেতুকে নতুন নিয়ম কৰা হৈছে, কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে বাৰ্ষিক উপাৰ্জন যিসকলৰ 4 লাখ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব এতিয়াৰে পৰা ৰেচন কাৰ্ড। অৱশ্যে পূৰ্বে যিসকলৰ বছৰি আয় 80 লাখ টকা আছিল এই সীমালৈকৈহে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছিল। অকল ৰেচন কাৰ্ডেই নহয় এতিয়াৰে পৰা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব। প্ৰতিটো পৰিয়ালেই বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব। অকল ইমানেই নহয় ৰাজ্যৰ 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু জুলাই মাহৰ একেটা দিনতে একেলগে এই 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড। যিটো NFSA কাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত আমি যি বিভিন্নজনক চাউল দিওঁ, এই কাৰ্ডৰ যিটো ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল সেইটো আছিল যে 2.5 লাখ টকাৰ তলত বছৰেকীয়া আয়ৰ কথা কোৱা হৈছিলে। আৰু সেই আজিৰ কেবিনেটে 2.5 লাখ টকাটো 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে। এতিয়া NFSA কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে যোগ্য 4 লাখ টকা, আগতে 2.5 লাখ টকাৰ ওপৰৰ মানুহে এই কাৰ্ড পোৱা নাছিলে। ৰেচন কাৰ্ড বুলি যদি আমি কওঁ এই ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে, এতিয়া 4 লাখ টকালৈকে যাৰ আয় তেওঁলোকেও এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে জানে যে কেবিনেটত আমি কৈছিলোঁ যে 40 লাখ নতুন বেনিফিচাৰীক আমি এই ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ড যোগান ধৰিম যি বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। এই NFSA কাৰ্ড আমি 40 লাখ কাৰ্ড অহা জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে আমি। तो फ्रेंड्स सुन लिया आपने न्यूज़। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, ये न्यूज़ निकल के आया है जो कि असम गवर्नमेंट में बता दिया है जुलाई के लास्ट में ये लिस्ट आ जाएगा रेशन कार्ड का। सबको मिलेगा रेशन कार्ड, 40 लाख लोगों को रेशन कार्ड मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और लिस्ट कब तक आएगा, लिस्ट जैसे ही आएगा मैं दूसरा वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ बिल्कुल, आपको इसी चैनल में सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारा न्यूज़ मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।